गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के लिए दो लाइन लेकर के कि सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, ये जारी रखने का साहस है और ये मायने रखता है हमारे जीवन में। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, आ गई हूँ किचन में, कुछ ना कुछ कारनामा करके दिखाती हूँ। कोई ना कोई कारनामा मेरा होता है। होता ही रहता है। जो ज्यादा तल दी है वो ज्यादा कुटकुटी हो गई है। तो हम छोटा छोटा टुकड़ा इसलिए करते रहे हैं कि अब भाई पापड़ी तो थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा महीन बेली रहती है तो मुंह में ना लगे, इसलिए इसका थोड़ा छोटा टुकड़ा कर दे रही हूँ। ये एक रोटी थी, एक रोटी हमारे पास थी, उसी से हमने ये किया और हमारा चूड़ा बचा हुआ है, इसलिए आज ये सारा मैनेज कर रही हूँ इस तरीके से। तो इस पे छोला भी था हमारे पास, और इस पर हरी धनिया की चटनी, कढ़ी भी है हमारे पास तो थोड़ी थोड़ी। चटनी तो बनाए थे हम, आपको बताए थे कि नीचे गाढ़ी होगी अच्छे से। तो प्याज भी पड़ गया। तो ये है चिली फ्लेक्स, भुना जीरा मिला के, काला नमक मिला के बनाए हुए हैं। चलिए ये डाल लेते हैं क्योंकि वैसे भी मेरे छोला में नमक कम है। तो ये हो गया चाट हम लोगों का तैयार, रेडी स्टडी गो। और इसमें निकाल लेते हैं पोहा, गरम की हुई पोहा। तो देखा दोस्तों आपने मेरा कारनामा, किचन कारनामा। ये हमारा किचन कारनामा। तो रोटी बची थी उसका उपयोग कर लिए और उसको स्पेशल भी बना दिए। ऐसा नहीं है बची हुई रोटी तो सेक के ऐसे भी खा लेता आदमी, बट उसको स्पेशल बनाना ये थोड़ा सा अपने माइंड का खेल होता है। तो चलिए मिलते हैं खाते हुए भी। तो ये देखिए, गुड मॉर्निंग जी, चाट स्टार्ट कर चुके हैं और कैसा हुआ मेरे कारनामे का सक्सेस हुआ कि नहीं? आप सब कहते हैं कारनामा चाट बहुत सक्सेसफुल हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ है, मजा आ रहा है। हाँ, तो इसका नाम कारनामा चाट ही रहेगा। तो मजा आ गया, तो ये तो हमारा सफल हो गया भाई। हम तो अभी खाए नहीं, अभी खाकर बताते हैं। मस्त हुआ है, वो तो एकदम चालू हो गए हैं। हम भी स्टार्ट हों क्योंकि पानी आ रहा है मुँह में दूसरे का सुन सुन के। तो पहले आप लोग को खिलाना अनिवार्य है। तो ये लीजिए मेरा कारनामा चाट दही वही के साथ, सब चीज के साथ खिलाऊंगी। ये लीजिए,
एकदम पास करके दिखाते हैं। और मिर्चा उर्चा जितना आप लोग अपने स्वाद से खा सकते हैं हम अपने स्वाद से डालेंगे। वाह, सच बताएं आपको, आप लोगों को, कि पापड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं है। दो रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए जिस दिन चाट खाने का मन। ये रोटी तो थोड़ी सी मोटी थी मेरी, मतलब नान टाइप कम बनाए थे, थोड़ा मोटी थी। बट अगर पतली रोटी जो बनती है हम लोगों की रोज रेगुलर रोटी, वो रोटी तल देंगे ना, वो जल्दी से तला भी जाएगी और एकदम पपड़ी हो जाएगी। बस उसको छोड़ दीजिए तल के, 5-10 मिनट छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद आपके पास जो जो चीज सामग्री हो उपलब्ध, दही, मिर्ची, चटनी, जो चाट में पड़ता है आप सभी जानते हैं, उस चीज को डाल के आलू, हाँ बॉयल आलू हो तो और मजा आ जाएगा इसमें। बॉयल आलू डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए वो हम मिस कर रहे थे, मैं तो हम उबाल लिया होते, याद ही नहीं था हमको। डाल के आपका पूरा चाट कंप्लीट। एक दिन पहले आप छोला भी बना के रख सकते हैं फ्रीज में, क्योंकि छोला भी ठंडा ही डाला जाता है, बहुत गर्म नहीं डाला जाता। तो ये सारा प्रिपरेशन आप कर ही कर सकते हैं। मीठी चटनी, हरी धनिया चटनी, मीठी चटनी लाओ कम है, लेते हैं। तो ये रहा मेरा कल का ही पोहा है, बच गया था तो इसीलिए वो प्रिपरेशन भी हम कर लिए, खिलाओ थोड़ा चाट भी बना लिया एक रोटी का। तो ये नहीं चखा रही क्योंकि कल खिला चुकी हूँ। तो दोस्तों मेरा कारनामा चाट पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूले प्लीज, कमेंट्स करना ना भूले, और जो लोग मेरे ब्लॉग पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक कर लें तो और मेरा वीडियो फुल वॉच करें। बस इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट है आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। पता लग गया है। जय श्री राम।